गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी OSI मॉडल। इन लास्ट लेक्चर वी हैव सीन प्रोटोटाइपिंग लेयरिंग। ओके, तो प्रोटोटाइपिंग लेयरिंग में हम लोगों ने दो एग्जांपल देखे थे, फिजिकल लेयरिंग क्या होता है, डेटा लिंक लेयर क्या होता है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी साइमल्टेनियसली अबाउट प्रोटोटाइप लेयरिंग एंड OSI मॉडल। ओके, बिकॉज इन बोथ टॉपिक द एग्जाम्पल्स आर सेम, सो वी कैन स्टडी द OSI मॉडल एंड यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड द प्रोटोटाइप लेयरिंग। सो बेसिकली प्रोटोटाइप लेयरिंग मीन्स वॉट, कि आप लोग जो डेटा को ट्रांसमिट करते हो थ्रू वन PC टू अनदर डेस्टिनेशन, तो वो जो आपका ट्रांसमिशन का रेट है, देन ट्रांसमिशन की जो मेथड है जिसको आप लोग फॉलो करते हो, उसका एक प्रोटोटाइप रहता है, उसके रूल्स रेगुलेशन रहते हैं और उसको प्रोटोकॉल लेयरिंग बोलते हैं। तो ये रूल्स रेगुलेशन हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो हम लोग इसको OSI मॉडल में यूज़ करते हैं एंड TCP/IP मॉडल में यूज़ करते हैं। तो OSI मॉडल क्या होता है, तो OSI मॉडल एक ऐसा मॉडल है जो आपका जो डेटा है उसको करेक्ट एंड कंप्लीट वे में एक प्रॉपर डेस्टिनेशन में सेंड करने का काम करता है। और ये जब होता है, आप लोग आपके PC थ्रू जब रिक्वेस्ट सेंड करते हो, वो सर्वर पे चली जाती है, सर्वर वो रिक्वेस्ट को वेरीफाई करता है और फिर उसके अकॉर्डिंग जो भी उसका डेस्टिनेशन रहेगा उसको सेंड करता है। बट जब ये जो डेटा आप लोग जब अपलोड करोगे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जैसे कि हम लोग जब पहले के ज़माने में लेटर वगैरह सेंड करते थे, राइट, तो लेटर हम लोग पहले लिखते थे, देन उसके ऊपर जिसको सेंड करना है उसका एड्रेस, पिन कोड, प्रॉपर एड्रेस, पिन कोड, वो सब चीज़ें लिखते थे जो रिक्वायर थी। वो लिखने के बाद हम लोग उसको पोस्ट ऑफिस में सबमिट करते थे। पोस्ट ऑफिस वालों के पास बहुत सारे लेटर्स रहते थे, वो लोग क्या करते थे, अकॉर्डिंग टू पिन कोड लेटर्स को डिवाइड करते थे और फिर जो एरिया का जो पिन कोड रहेगा वहाँ के पोस्ट ऑफिस में लेटर को सेंड करते थे। फिर वहाँ के पोस्ट ऑफिस वाले एड्रेस चेक करके फिर एड्रेस के ऊपर लेटर भेज देते थे, राइट। तो ये सेम चीज़ आप जब डेटा को ट्रांसमिट करते हो तो आपके साथ होती है। सबसे पहले आप लोग जो भी आपका PC रहेगा, लैपटॉप रहेगा, उसके ऊपर आपका कंटेंट रेडी करते हो कि आपको सपोज़ किसी को डॉक्यूमेंट फाइल सेंड करनी है, तो सबसे पहले आप लोग आपके डॉक्यूमेंट को रेडी करोगे, देन उसको प्रॉपर लेबल दोगे क्या है वो डॉक्यूमेंट्स, उसको प्रॉपरली सेव करोगे। सेव करने के बाद अगर आप लोग किसी को सपोज मेल कर रहे हो, तो आप लोग वो फाइल जो आपने बनाई है, क्रिएट की है वर्ड फाइल, उसको अटैच करोगे। अटैच करने के बाद आप लोग उसको आपका जो ईमेल आईडी है आप वो डालोगे, देन जिसको सेंड करना है उसका मेल आईडी डालोगे और उसके बाद आप लोग उसको सेंड करोगे। सेंड करने के बाद आपका जो डेटा है वो सबसे पहले फिजिकल लेयर में अपलोड होता है, मतलब जब आप लोग कंटेंट को अपलोड करते हो, उसके बाद फिर वो जब डेस्टिनेशन तक पहुंचता है तो वो टोटल 7 लेयर को क्रॉस करता है और उसके बाद वो डेस्टिनेशन पे जाता है, यानी जिसका भी आपने ईमेल आईडी डाला है उसके पास वो जाता है। तो वो जो 7 लेयर्स रहते हैं वो आपके डेटा को सिक्योर एंड कंप्लीट एंड करेक्ट वे में सेंड करने का काम करते हैं। तो वो जो 7 लेयर्स रहेंगे उसको बोलते हैं OSI मॉडल, एंड द फुल फॉर्म ऑफ OSI मॉडल इज ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओके, तो ये OSI मॉडल थ्रू आपका जो डेटा है वो करेक्ट एंड कंप्लीट वे में डेस्टिनेशन पे पहुंचता है। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल व्हाट आर द 7 लेयर्स इन OSI मॉडल एंड हाउ दे परफॉर्म। ओके, OSI स्टैंड्स फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन इज अ रेफरेंस मॉडल दैट डिस्क्राइब हाउ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इज इन वन कंप्यूटर मूव्स थ्रू अ फिजिकल मीडियम टू द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इन अनदर कंप्यूटर। तो ऑपरेट ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन इज एक रेफरेंस मॉडल है जो आपका जो इन्फॉर्मेशन है, जो आपकी इन्फॉर्मेशन है उसको सेंड करने का काम करता है। देन उसके बाद द OSI कंसिस्टेंस ऑफ 7 लेयर्स एंड ईच लेयर परफॉर्म अ पर्टिकुलर नेटवर्क फंक्शन। तो वो जो 7 लेयर है आपके, वो 7 लेयर का अपना अपना एक खुद का काम है और वो अपने काम कर, मतलब कि अपना जो भी काम रहेगा उसको बहुत परफेक्टली करते हैं और इसकी वजह से आपका जो डेटा है वो कंप्लीट
एंड करेक्ट वे में डेस्टिनेशन पे रिसीव होता है. OSF मॉडल वॉज डेवलप बाय एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन दैट इज ISO इन 1984 एंड इट इज़ नाउ कंसिडर्ड एज एन आर्किटेक्चरल मॉडल फॉर इंटर कंप्यूटर कम्युनिकेशन. तो ये सबसे पहले 1984 में डेवलप हुआ है बाय ISO और इसके थ्रू ISO गारंटी देती है कि आपका जो डेटा है वो कंप्लीट वे में रिसीवर के पास रिसीव हो जाएगा. OSF मॉडल डिवाइड्स द होल टास्क इंटू 7 स्मॉलर एंड मैनेजेबल टास्क एंड ईच लेयर इज असाइन अ पर्टिकुलर टास्क. तो ये जो 7 लेयर है या फिर जो भी 7 लेयर है OSF मॉडल में, वो हर एक लेयर में अपना खुद का एक टास्क है और वो टास्क अगर वो प्रॉपरली कंप्लीट करते हैं तो आपका जो डेटा है वो विदाउट एनी डैमेजिंग रिसीवर के पास सेंड होता है. सो दीज आर द 7 लेयर्स वी आर गोइंग टू स्टडी ऑन OSF मॉडल. सबसे पहले आता है फिजिकल लेयर जो हमने देखा है लास्ट लेक्चर में. देन उसके बाद आता है डेटा लिंक लेयर. थर्ड वन इज़ नेटवर्क लेयर. और ये 3 लेयर को हम लोग कंसिडर करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नेटवर्क. तो ये 3 लेयर ने अगर आपका काम परफेक्टली किया है, यानी आपका जो क्लाइंट साइड है उसका ये 3 लेयर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है. देन नेटवर्क के बाद आता है ट्रांसपोर्ट लेयर. देन आता है सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर. और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है होस्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द होस्ट. ओके, अभी हम लोग इसको और डिटेल में देखते हैं. द OSF मॉडल डिवाइडेड इंटू द लेयर, अपर लेयर एंड लोअर लेयर. अपर लेयर ऑफ द OSF मॉडल मेनली डील्स विद द एप्लीकेशन रिलेटेड इशूज एंड दे आर इम्प्लीमेंटेड ओनली इन द सॉफ्टवेयर. एप्लीकेशन लेयर इज क्लोजेस्ट टू द एंड यूजर. बोथ एंड यूजर एंड एप्लीकेशन लेयर इंटरैक्ट विद द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन. अपर लेयर रेफर्स टू द लेयर जस्ट अबव अनदर लेयर. तो बेसिकली आपका जो 7 OSF मॉडल है या फिर जो आपके 7 लेयर्स है आपके OSF मॉडल में, वो 7 लेयर 2 चीज़ों में डिवाइड रहते हैं, अपर लेयर एंड लोअर लेयर. अपर लेयर एंड लोअर लेयर, अपर लेयर के अंदर एप्लीकेशंस लेयर काम करता है और लोअर लेयर के अंदर डेटा ट्रांसमिट मतलब कि डेटा लिंक करने का जो काम होता है वो होता है. इसको हम लोग और डिटेल में यहाँ पे देखते हैं. सो ये आपके टोटल 7 लेयर है, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क, ट्रांसमिट, सेशन, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन लेयर. तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि फिजिकल लेयर कैसे काम करता है. जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा तो अभी थोड़ा सा फास्ट लेती हूँ. द मेन फंक्शनलिटी ऑफ द फिजिकल लेयर इज टू ट्रांसमिट द इंडिविजुअल बिट्स फ्रॉम द वन नोड टू अनदर नोड एंड इट इज द लोएस्ट लेयर ऑफ द OSF मॉडल. इट एस्टैब्लिश द मेंटेनेंस एंड डीएक्टिवेट द फिजिकल कनेक्शन. इट स्पेसिफाई द मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड प्रोसीजर नेटवर्क इंटरफेस स्पेसिफिकेशन. तो इसके अंदर फिजिकल लेयर में सबसे पहले क्या होता है, आपका डेटा अपलोड होता है. अपलोड होने के बाद वो बिट में कन्वर्ट हो जाता है और बिट में कन्वर्ट होने के बाद वो बिट के फॉर्मेट में ही सेकेंड लेयर पे ट्रांसमिट होने का काम करता है. डेटा लिंक लेयर के बाद आता है, अपलोड डायग्राम को फॉलो करना मत भूलिए. डेटा लिंक होने के बाद मतलब कि फिजिकल लेयर होने के बाद आप लोग जाते हो डेटा लिंक लेयर पे, जिसके ऊपर आप लोगों को डेटा को लिंक करने का काम करना है. ओके, डेटा लिंक लेयर में क्या होता है, अ लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एरर फ्री ट्रांसफर ऑफ डेटा फ्रेम्स. इट डिफाइंस द फॉर्मेट ऑफ द डेटा ऑन द नेटवर्क. इट प्रोवाइड्स द रिलायबल इफिशियंट कम्युनिकेशन बिटवीन द टू और मोर डिवाइस एंड इट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ ईच डिवाइस रिसाइड द लोकल नेटवर्क. तो फिजिकल लेयर में आप लोग क्या करते हैं, आपने डेटा को अपलोड कर लिया, यानी सपोज मैं अगर यूट्यूब पे कोई वीडियो अपलोड कर रही हूँ तो मैं यूट्यूब पे जो वीडियो अपलोड करूँगी और मेरी वीडियो जो नॉर्मल बिट्स में या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि जो इंग्लिश टू बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट हो जाएगी, तो वो मेरा फिजिकल लेयर रहता है. देन उसके बाद डेटा लिंक लेयर पे वो जो वीडियो है वो अपलोड होती है और वो अपलोडन होने के बाद मेरा आईपी एड्रेस और जिसको मैंने सेंड किया है उसका आईपी एड्रेस सर्च करने का काम डेटा लिंक लेयर करता है, यानी वो डेटा को लिंक करने का काम करेगा कि लोकल नेटवर्क से मतलब कि सेंड हो जाएगा और जिसके पास जाना है उसका आइडेंटिफिकेशन वो सर्च करेगा. इट कंटेन्स द टू सब लेयर्स, लॉजिकल कंट्रोल लेयर एंड मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर. तो लॉजिकल लिंक
कंट्रोल में क्या होता है, लॉजिकल इसके अंदर यानी आपका जो आईपी एड्रेस रहता है आपके पीसी का, आपके लैपटॉप का, वो आईपी एड्रेस एंड फिर आपके एरिया का एक मैक एड्रेस रहता है, दैट इज मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ये दोनों एड्रेस जो है वेरीफाई करते हैं रिसीवर का आईपी एड्रेस एंड उसका मैक एड्रेस, और फिर ये कनेक्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से डेटा लिंक लेयर जो है कनेक्ट होता है, यानी आपने डेटा को अपलोड किया और अभी आपने डेटा को लिंक किया, यानी अभी आपको रिसीवर मिल गया आपके नेटवर्क में। जैसे कि आपको ये पता है कि आपको बॉम्बे जाना है, बट बॉम्बे में आपका फ्रेंड कहाँ पे रहता है, उसका एड्रेस क्या है, देन वो कौन से एरिया से बिलोंग करता है, ईस्ट वेस्ट, ये सारी चीज़ें अभी आपको पता चल गई कि आप लोग घर से निकले हो, देन यू आर इन अ ट्रैवलिंग और आपको अभी पता चला है कि आपको बॉम्बे जाना है और ये वाले एरिया में जाना है। सो नाउ यू आर कनेक्ट विथ योर डेस्टिनेशन। थर्ड इज़ नेटवर्क लेयर। तो नेटवर्क लेयर में क्या होता है, ये है नेटवर्क लेयर के डायग्राम। नेटवर्क लेयर में होता है, इट इज़ अ लेयर 3 दैट मैनेज द डिवाइस एड्रेसिंग ट्रैकिंग द लोकेशन ऑफ द डिवाइस ऑन द नेटवर्क। सबसे इम्पॉर्टेंट कि आप लोग घर से निकले, आपको बॉम्बे जाना है, कौन से एरिया में जाना है ये आपको पता है। नाउ यू हैव टू स्टडी कि आप लोग उसके तब या उसके यहाँ तक कैसे पहुँचोगे। तो उसका लोकेशन आप लोग ट्रेस करोगे और लोकेशन ट्रेस करने के बाद जो सबसे नज़दीक वाला रूट रहेगा आप लोग उसको पकड़ोगे। सिंपल सी चीज़ है, अगर आपको बॉम्बे जाना है और अगर आप लोग यहाँ से बॉम्बे जा रहे हो तो आप लोग डायरेक्टली वाया नागोटने भी जा सकते हैं, और उसी तरीके से अगर आप लोग पुणे से भी बॉम्बे जा सकते हैं, राइट। तो आपके पास मल्टीपल वेज है, यानी आपके पास नेटवर्क बहुत सारे हैं कि आप लोग आपके डेस्टिनेशन में बहुत सारे नेटवर्क का यूज़ करके जा सकते हो, बट आप लोग सबसे ईजी वाला नेटवर्क चूज़ करोगे कि जो मेरा डेटा जल्दी भी रिसीवर के पास सेंड करेगा और उसका टाइम कम लगेगा तो मुझे फीडबैक जल्दी मिलेगा तो आपको रिलैक्सेशन हो जाएगा कि आपका डेटा जो है रिसीवर के पास सेफली पहुंच गया है। इंस्टेड ऑफ यूज़ अ लॉन्ग रूट, वी ऑलवेज चूज़ द शॉर्ट रूट फॉर सेंडिंग डेटा। ओके, तो नेटवर्क लेयर में क्या होगा, नेटवर्क लेयर में फिजिकल ने अपना काम कर दिया है, डेटा लिंक लेयर ने आपको एड्रेस फाइंड आउट करके दे दिया है कि बाबा ये एड्रेस है अभी जाओ। तो नेटवर्क लेयर क्या काम करेगा, नेटवर्क लेयर उसका जो रूट है वो सबसे ईजीएस्ट वाला रूट फाइंड आउट करके देगा आपको कि ये रूट से जाओ तो आपका डेटा जल्दी वहाँ पे रिसीव होगा। देन उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर इज़ अ लेयर ऑफ नंबर 4। इंश्योर दैट मैसेज आर ट्रांसमिटेड इन ऑर्डर इन विच दे आर सेंड एंड देर इज़ अ नो डुप्लीकेशन ऑफ डेटा। समटाइम्स अगर आप लोग सपोज मल्टीपल डेटा एक ही डेस्टिनेशन के ऊपर सेंड कर रहे हो तो ऐसे हो सकता है कि आपके जो फाइल्स है वो आगे पीछे रिसीव हो जाए, बट वो जब रिसीव मतलब कि वो सेंडिंग के टाइम पे आगे पीछे हो सकते हैं, बट वो जो रिसीव होंगे तो वो वैसे ही रिसीव होंगे जैसे आपने उसको सेंड किया है। और ये क्यों पॉसिबल होता है, मतलब कि जो आपने सीक्वेंस मेंटेन करके रखा है कि पहले आपने 1 नंबर की फाइल सेंड की, फिर आपने 2 नंबर की सेंड की, फिर 3, 4, 5, और जब वो डाउनलोड होगा या फिर जब वो रिसीव होगा रिसीवर के पास तब भी वो फाइल उसी सीक्वेंस में उसको रिसीव होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर आपके मैसेज को जब ट्रांसमिट करता है तो वो उसको सीक्वेंस में लाता है और उसके जो यूनिट्स है, उसके जो सेगमेंट्स है, उसको प्रॉपरली डिवाइड करके सेम उसी सीक्वेंस में रिसीवर को रिसीव करके देगा जो सीक्वेंस में सेंडर ने उसको सेंड किया था। देन नेक्स्ट इज द टू प्रोटोकॉल यूज इन दिस लेयर। हमारा जो ये जो ट्रांसपोर्ट लेयर है इसके अंदर हम लोग दो और रूल्स या फिर लेयर को हम लोग यूज़ करते हैं, विच इज़ ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल यानी क्या है, TCP, इट इज़ अ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल दैट अलाउ द सिस्टम टू कम्युनिकेट ओवर द नेटवर्क इंटरनेट, इट एस्टैब्लिश द मेंटेनेंस एंड कनेक्शन बिटवीन द होस्ट। तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या करता है, जो आपका क्लाइंट है यानी आप खुद और आप जिसके साथ कम्युनिकेशन कर रहे हो, आप दोनों होस्ट का जो है कनेक्शन मेंटेन करके रखेगा, यानी कनेक्शन आपका ब्रेक नहीं होने देगा। अगर आपका कनेक्शन ब्रेक हो गया तो आपका डेटा ड्रॉप हो जाएगा, रिसीवर को नहीं मिलेगा।
When data set over the TCP connection, the TCP protocol divides the data into smaller unit known as segment. जब आपका डेटा या फिर आपका मैसेज बहुत बड़ा है तो वो बड़ा मैसेज डायरेक्टली पूरा का पूरा सेंड नहीं होता, उसका डिवाइडेशन होता है. डिवाइडेशन बाय टीसीपी रूल होता है, दैट इज़ ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल. और जब आपका डेटा इसी छोटे छोटे स्मॉल में डिवाइड होता है तो उसको सेगमेंट बोलते हैं. और सेगमेंट में क्यों हम लोग डिवाइड करते हैं, बिकॉज कि अगर आपका बाइनरी नंबर थ्रू डेटा अगर बहुत बड़ा बन जाता है तो एक साथ सेंड करने से उसके ऊपर अटैक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं. इसके लिए हम लोग उसको स्मॉल स्मॉल पार्ट में जो है डिवाइड करके सेंड करते हैं. नेक्स्ट इज़ यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल. यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल इज़ अ ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल. इट इज़ अ अनरियल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल. In this case, the receiver does not send any acknowledgement when the packet is received. The sender does not wait for any acknowledgement. Therefore, this makes the protocol unreliable. अगर आप लोग TCP/IP यूज़ कर रहे हो तो आपको डेफिनेटली रिसीवर के पास से एक्नॉलेजमेंट मिलेगा कि आपका जो पैकेट है वो मुझे रिसीव हो गया है या फिर आपका जो मैसेज है वो मुझे रिसीव हो गया है. अगर आपने यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल से आपके डेटा को ट्रांसपोर्ट लेयर पे सेंड कर लिया है तो आपका रिसीवर आपको एक्नॉलेजमेंट नहीं देता और ना ही सेंडर उसको वेट करता है कि मुझे एक्नॉलेजमेंट मिले. यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल में मोस्टली हम लोग बहुत छोटे छोटे मैसेज सेंड करते हैं. इसकी वजह से अगर वो ड्रॉप भी हो जाते हैं तो बहुत बड़ा ऐसा कोई लॉस नहीं होता. ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद द नेक्स्ट इज सेशन लेयर. सेशन का मीनिंग होता है टाइम. ओके, इट इज़ अ लेयर नंबर 3 इन अ मॉडल. द सेशन लेयर इज यूज टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन द सिंक्रोनाइज इंटरेक्शन बिटवीन द कम्युनिकेशन डिवाइस. फंक्शंस ऑफ द सेशन लेयर. द सेशन लेयर इज यूज टू एस्टैब्लिश द मेंटेन एंड सिंक्रोनाइज द इंटरेक्शन बिटवीन द कम्युनिकेशन डिवाइस. तो सेशन लेयर क्या करता है, टाइम मैनेज करने का काम करता है. जैसे आप लोग कोई भी चीज़ को, जैसे अगर सपोज फेसबुक पे या फिर इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट आप लोग देख रहे हो, वीडियो सपोज़ आप लोग देख रहे हो, और वीडियो के ऊपर आप लोग जब भी क्लिक करोगे विद इन सेकंड अगर वो स्टार्ट नहीं हुई तो आप लोग क्या करते हो, उसको स्वाइप अप करते हो, दूसरे वीडियो स्टार्ट करते हो. सेशन लेयर आपका ये जो टाइम है उसको मैनेज करने का काम करता है. ओके, यानी कि आप लोग जैसे ही डेटा आपने अपलोड किया फटाफट सारे लेयर जो है कंप्लीट हो जाता है. सेशन लेयर जो है हर एक लेयर का टाइम मैनेज करता है कि मतलब टाइम कहीं पे ब्रेक नहीं होना चाहिए और आपका जो इंटरेक्शन है बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर टू रिसीवर ये ब्रेक नहीं होना चाहिए. इसके लिए परफॉर्मेंस फास्ट होना ज़रूरी है और वो परफॉर्मेंस फास्ट रखने का काम सेशन लेयर करता है. फंक्शंस ऑफ सेशन लेयर, तो इसके अंदर क्या होता है वो देखते हैं. डायलॉग कंट्रोल. सेशन लेयर एक्ट एज अ डायलॉग कंट्रोल दैट क्रिएट्स अ डायलॉग बिटवीन द टू प्रोसेसर. सो वी कैन से दैट इट अलाउ द कम्युनिकेशन बिटवीन द टू प्रोसेस विच कैन बी आइदर हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स. तो हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स क्या होता है कि जब आप लोग वन वे कम्युनिकेशन करते हो, मतलब कि सिर्फ मैं बोल रही हूँ और आप लोग सुन रहे हो, उसको हाफ डुप्लेक्स बोलते हैं. यानी आपके पास से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है. और फुल डुप्लेक्स इसका मतलब क्या कि मैं क्वेश्चन कर रही हूँ और आप भी उसका आंसर दे रहे हो, आप क्वेश्चन कर रहे हो उसका आंसर मैं दे रही हूँ, उसको फुल डुप्लेक्स बोलते हैं. कम्युनिकेशन भी वैसे ही, अगर वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है, मतलब सिर्फ सेंडर सेंड कर रहा है, रिसीवर कोई भी एक्नॉलेजमेंट नहीं दे रहा है, दैट इज़ हाफ डुप्लेक्स. फुल डुप्लेक्स का मीनिंग होता है कि दोनों तरफ से सेंडिंग एंड रिसीविंग दोनों मैसेजेस चल रहे हैं, दैट इज़ फुल डुप्लेक्स. डायलॉग कंट्रोल यानी क्या कि आपको जो एक्नॉलेजमेंट मिलता है विद इन सेकेंड आपको ऐसे रिप्लाई आता है. अगर सपोज आप लोग मोबाइल पे वगैरह रिचार्ज कर रहे हो, आपने रिचार्ज पे कर दिया तो आपको तुरंत एक OTP आता है. OTP आने के बाद आपने OTP एंटर किया, विद इन सेकेंड आपको मैसेज रिसीव होता है. तो ये जो टाइम मैनेजमेंट का काम होता है ये सेशन लेयर करता है. सिंक्रोनाइजेशन. सेशन लेयर एड्स सम चेक पॉइंट्स व्हेन ट्रांसमिटिंग द डेटा इन अ सीक्वेंस. इफ सम एरर ऑकर्स इन द मिडल ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा देन ट्रांसमिशन विल टेक प्लेस अगेन फ्रॉम द चेक पॉइंट एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज सिंक्रोनाइजेशन एंड रिकवरी. ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. कभी कभी आप लोग देखो, जब भी आप लोग सपोज एरर रिचार्ज वगैरह कर रहे हो और उसी टाइम आपका नेटवर्क स्लो हो गया और आपने पे कर दिया था तो आपको ऐसे मैसेज आता है रिकवरी का, या फिर आपका जो बफरिंग है वो सिर्फ बफरिंग होता रहता है. ओके, अगर आपके बैंक अकाउंट से पैसे डिडक्ट हुए बट आपका रिचार्ज नहीं हुआ,
ओके रिचार्ज नहीं हुआ बिकॉज नेटवर्क का इशू था जो भी था, बट आपके बैंक अकाउंट से जो मैसेज आया है कि आपके पैसे डिडक्ट हो गए हैं। तो जहाँ पे आपका जो रिचार्ज होना स्टॉप हुआ था, मतलब कि आपने OTP डाला, पे किया, बट उसके बाद रिचार्ज हुआ ही नहीं, तो वो आपका चेक पॉइंट रहता है, यानी वहाँ से आपका कनेक्शन ब्रेक हुआ। कुछ देर बाद अगर आपका नेटवर्क सही हो जाता है तो सिंक्रोनाइज सेशन काम करता है, और जहाँ पे आपका ट्रांसमिशन स्टॉप हुआ था वहाँ से ही आपका ट्रांसमिशन स्टार्ट किया जाता है। मतलब आपने OTP एंटर किया था और उसके बाद आपका नेटवर्क चला गया है, और जब भी वो नेटवर्क अच्छा हो जाता है, नेटवर्क के सिग्नल प्रॉपर आने लगते हैं, तो वो वहीं से आगे कंटिन्यू करेगा जहाँ पे वो स्टॉप हुआ था। और ये क्यों होता है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ सेशन लेयर। सेशन लेयर क्या काम करता है, आपके टाइम को मैनेज करने का काम करता है। और ये जो मैंने आपको एग्जांपल बताया, ये है सिंक्रोनाइजेशन सेशन लेयर, यानी आपका जो सिंक्रो होता है या फिर जो आपका कनेक्शन हो रहा है उसको मेंटेन या फिर रिकवर करने का काम सेशन लेयर करता है। देन सेकेंड लास्ट विच इज़ प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर इज अ मेनली कंसर्न विद द सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स ऑफ द इंफॉर्मेशन एक्सचेंज बिटवीन द टू सिस्टम्स। इट एक्ट्स एज अ डेटा ट्रांसलेटर फॉर द नेटवर्क। दिस लेयर इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट कन्वर्ट्स द डेटा फ्रॉम वन प्रेजेंटेशन फॉर्मेट टू अनदर फॉर्मेट। द प्रेजेंटेशन लेयर इज ऑल्सो नोन एज सिंटैक्स लेयर। ओके, तो प्रेजेंटेशन यानी क्या, कि आपका डेटा जब अपलोड होता है नेटवर्क में तो उसको प्रेजेंट करना या फिर उसको एक प्रॉपर एनकोडिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का काम प्रेजेंटेशन लेयर करता है। तो इसके अंदर फंक्शंस क्या है, ट्रांसलेशन, द प्रोसेस इनटू टू सिस्टम एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कैरेक्टर स्ट्रिंग नंबर सो ऑन। डिफरेंट कंप्यूटर्स आर यूज द डिफरेंट एनकोडिंग मेथड्स। द प्रेजेंटेशन लेयर हैंडल्स द इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन द डिफरेंट एनकोडिंग मेथड एंड इट कन्वर्ट्स द डेटा फ्रॉम सेंडर डिपेंडेंट फॉर्मेट इनटू कॉमन फॉर्मेट एंड चेंज द कॉमन फॉर्मेट इनटू रिसीवर डिपेंडेंट फॉर्मेट एट रिसीविंग एंड। मतलब कि अगर सपोज मैं वर्ड का जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बनाई हो और मेरे पास 2007 वर्ड है या फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है और मैंने 2007 के अंदर मेरा डॉक्यूमेंट रेडी किया हूँ, और जो मेरा रिसीवर है उसके पास वर्ड है ही नहीं, माइक्रोसॉफ्ट है ही नहीं, ओके, तो वो जब फाइल रिसीव करेगा तो उसको शो नहीं होगा। तो प्रेजेंटेशन लेयर क्या करता है, प्रेजेंटेशन लेयर आपके डेटा को इसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है ताकि वो जब भी रिसीवर के पास सेंड हो जाए तो एटलीस्ट रिसीवर को ये पता चले कि उसको कुछ डेटा रिसीव हुआ है। अगर उसके पास कोई ऐसा एप्लीकेशन या फिर प्लेटफॉर्म नहीं है जिसके ऊपर वो फाइल ओपन नहीं कर सकता, फिर भी आपको एक सजेशन मिलता है कि आप लोग ये वाला ऐप यूज़ करो, इसके अंदर ये फाइल ओपन हो जाएगी। तो ये जो कन्वर्जन का काम है दो सिस्टम के बीच का, ये प्रेजेंटेशन काम करता है। इनक्रिप्शन, encryption is needed to maintain the privacy. Encryption is a process of converting the sender and transmitter information into to another from sender sends the result message over the network. Presentation layer के अंदर encryption format होता है। तो what is encryption? Encryption को हम लोग इस तरीके से define करते हैं कि encryption यानि non-readable format। अगर मैं कोई confidential data किसी को send कर रही हूँ, कॉन्फिडेंशियल और बहुत इंपॉर्टेंट डेटा मैं किसी को अगर सेंड कर रही हूँ और मुझे ऐसे लग रहा है कि नेटवर्किंग में उसके ऊपर अटैक ना हो, तो मैं डेटा को जो है एक इंक्रिप्शन फॉर्मेट में सेंड करती हूँ। इंक्रिप्शन यानी उसको एक कोड लैंग्वेज में मैं कन्वर्ट करूँगी और वो कोड लैंग्वेज जो है मैं नेटवर्क में सेंड करूँगी, और फिर रिसीवर जो है वो कोड लैंग्वेज को रीड करके उसको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि ओरिजिनल मैसेज क्या है। तो ये जो कन्वर्जन का काम है इसको सपोर्ट करने का काम जो है ये वाला लेयर करेगा। कंप्रेशन, डेटा कंप्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ कंप्रेसिंग द डेटा। इट रिड्यूस द नंबर ऑफ द बिट्स इनटू द ट्रांसमिटेड। डेटा कंप्रेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन मल्टीमीडिया सच एज टेक्स्ट, ऑडियो एंड वीडियो। जैसे देखो अभी मैं आपकी वीडियो बना रही हूँ लेक्चर के, जब मैं इसको अपलोड करूँगी ना तो ये कंप्रेस हो जाएगी। क्यों कंप्रेस हो जाएगी, बिकॉज अभी जब मैं नॉर्मल वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ तो वो GB में रहती है, और इतना ज़्यादा GB में अपलोड नहीं कर सकती, तो जो वीडियो है वो कंप्रेस हो जाती है विदाउट इन डैमेजिंग क्वालिटी। अब क्वालिटी डैमेज नहीं होती, बट वो जो वीडियो है ऑटोमेटिकली कंप्रेस हो जाती है और फिर सेंड हो जाती है, जिससे मेरा स्टोरेज सेव होता है, मेरा इंटरनेट जो है सेव होता है। ये करने का काम प्रेजेंटेशन का होता है।
लास्ट इज एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर में क्या होता है, द एप्लीकेशन लेयर इज Application layer serves a window for the users and application process to access the network service. It handles the issues such as network transparency, resource allocation. An application layer is not only an application, but it performs the application layer functions. This layer provides the network service to end user. Application layer ka kaam kya rehta hai? Application layer allows the user to access the file in a remote computer, to receive the file in the computer or manage the file in the normal computer. Application layer यानी क्या, तो ये जो आप लोग application use करते हो, किसी ने भी आपको जो भी file send की है उसको open करने का, then उसको check करने का, तो ये जो आपका platform है, आपका laptop, उसके अंदर रहता है आपका ये last वाला application layer. अगर आपके पास वो application नहीं रहेगा तो सेंडर ने रिसीव किए हुए फाइल या फिर सेंडर ने जो आपको फाइल सेंड की है उसका एप्लीकेशन आपके पास नहीं रहेगा, तो वो डॉक्यूमेंट्स आपको ओपन करके नहीं मिलता है. तो ये क्यों होता है, ये रूल्स क्या है, तो ये एप्लीकेशन लेयर का रूल है कि आपके पास भी सेम प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो सेंडर के पास है. मेल सर्विस, एन एप्लीकेशन लेयर प्रोवाइड्स अ फैसिलिटी फॉर मेलिंग, फॉरवर्डिंग एंड स्टोरेज. Directory services and application provides a distributed database source and is used to provide that global information about the various object. Mail services में जितने number of mail आप लोग send करोगे, receiver के पास वो mails रहते हैं तो ज़्यादा issue नहीं आता. But suppose अगर आपके पास Yahoo का mail ID और आपको किसी ने Gmail का mail send किया है तो आपको कभी कभी problem हो सकता है, but generally नहीं होता है. हमारा जो PC या फिर Android रहता है वो हर एक फाइल को सपोर्ट करता है. सो दिस इज़ द टॉपिक OSI मॉडल विच वी हैव कम्प्लीटेड द 7 points. आई होप यू विल अंडरस्टैंड वॉट एवर द थिंग्स आई हैव सेड हियर. बट अगर आपको किसी को भी इशू है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो एटलीस्ट एक मैसेज करके बोलो कि मैम ये वाला टॉपिक रिवाइज करो, तो हम लोग उसको रिवाइज करेंगे. सो इसके अंदर हम लोगों ने सीखा है एप्लीकेशन, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन लेयर. इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी TCP/IP प्रोटोकॉल, जो OSI मॉडल का एडवांस है, और वो क्यों बना वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे.